दुनिया के सात अजूबों में से एक ताजमहल पर तमाम दावों के बीच जयपुर रॉयल फैमिली ने दावा किया है कि ताजमहल उनकी प्रॉपर्टी है। रॉयल फैमिली की सदस्य और भाजपा सांसद दिया कुमारी ने कहा कि उस जगह पर हमारा महल था। यह अच्छी बात है कि किसी ने ताजमहल के दरवाजे खोलने को लेकर अपील की, इससे सच सामने आएगा। हम भी अभी मामले को एग्जामिन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में मुआवजा दिया। लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में कोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे अगर कोर्ट आदेश देगा तो। दिया कुमारी ने दावा किया कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो बताते हैं कि ताजमहल जयपुर के पुराने राज परिवार का पैलेस हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया। जब शाहजहां ने जयपुर परिवार का वह पैलेस और जमीन ली तो उनका परिवार विरोध नहीं कर सका क्योंकि तब उसका शासन था। दिया कुमारी ने कहा, आज भी कोई सरकार किसी जमीन को एक्वायर करती है तो इसके बदले मुआवजा देती है। मैंने सुना है कि उसके बदले में कोई मुआवजा दिया, लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि उसके खिलाफ अपील कर सकते थे या विरोध में कुछ कर सकते थे। अब अच्छा है कि किसी ने आवाज उठाई और कोर्ट में याचिका दायर की है। सांसद दिया कुमारी ने कहा, मैं यह तो नहीं कहूंगी कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके कमरे खोले जाने चाहिए। ताजमहल में कुछ कमरे बंद हैं, कुछ पार्ट वहां लंबे वक्त से सील है, उस पर निश्चित तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे खोलना चाहिए जिससे यह पता चले कि वहां क्या था क्या नहीं था। वो सारे फैक्ट्स अभी एस्टेब्लिश होंगे जब एक बार उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी। गौरतलब है कि अयोध्या मंदिर के दौरान राम के वंशज को लेकर जब मुद्दा उठा तब भी जयपुर रॉयल फैमिली की ओर से दावा किया गया था कि वे राम के वंशज हैं। इसके लिए वे कोर्ट में भी गवाही देने को तैयार हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आरती। खबरों के लिए बने रहिए मधुभाषी के साथ।